अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक होंगे जी। आज का जो हमारा लुक है बहुत ही प्रीटी सा, बहुत ही क्यूट सा सॉफ्ट गोल्डन आई लुक है, और इसमें हमने तीन तरह के आई शेडोज यूज़ की हैं, लाइक रेड, ग्रीन एंड गोल्डन। और इन शेड्स को हमने किस तरह से मैनेज करना है, इसमें जो हमने आईलाइनर अप्लाई किया है वो स्मस्ट आईलाइनर है। तो अगर आप लोगों ने टेक्निक को देखना है तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग भी इसको इजीली अप्लाई कर सके इस लुक को। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि रेड आई शेडो लिया है बहुत ही फ्लफी ब्रश के साथ। जब आप लोग क्रीज को कंट्रोल करते हैं, क्रीज पे एप्लीकेशन करते हैं आई शेडो की, तो उसके लिए आपका जो ब्रश है बहुत फ्लफी होना चाहिए, मींस हार्ड नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हार्श लाइंस बन जाती हैं, तो वो लुक जो है आप लोगों का स्मूथ नहीं रहता है। नेक्स्ट जी, गोल्डन आई शेडो है, इसको अप्लाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ फिंगर अपने आई लिड पे। अच्छा, जिनकी आईज नॉर्मल होती हैं, मीन्स ज़्यादा हुडेड नहीं होती या ज़्यादा डीप नहीं होती, वो लोग मीन्स थोड़ा लाइट आई शेडोज भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा डेप्थ की नीड नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा डेप्थ चाहिए होती है, ज़्यादा आईज हुडेड होती है, वो लोग डार्क शेड्स अप्लाई किया करें क्रीज लाइन पे। नेक्स्ट जी, हमने लोअर लाइन पे ग्रीन आई शेडो अप्लाई किया। इस तरह से हमने तीनों शेड्स को मैनेज किया है, और वाटर लाइन पे हमने वाइट पेंसिल अप्लाई की। नेक्स्ट जी, ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए वाइट हाईलाइटर अप्लाई किया, जस्ट नीड करने के लिए। ज़्यादा हमने हैवी नहीं करना है लुक को, तो जस्ट नीड करने के लिए हमने इसकी एप्लीकेशन की है। और इसके साथ ही हम इनर कॉर्नर में भी थोड़ा सा इसको अप्लाई कर देंगे हाइलाइटर को, ताकि हमारे इनर कॉर्नर्स जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लुक आए, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा नहीं करना है, इसको बहुत ही सॉफ्ट रखना है। नेक्स्ट जी, लैशेस को करना है हमने कर्ल, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी आईज पे थोड़ा सा आईलाइनर अप्लाई करेंगे। इस तरह से बहुत ही स्ट्रेट लाइन में हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है, कोई भी हमने शेप नहीं देनी आईलाइनर को, जस्ट हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद जी, ये थोड़ा सा ड्राई हो ले, हमने लैशेस को करना है मस्कारा, ताकि हमारी नेचुरल लैशेस जो है अच्छी तरह से अलग अलग हो जाए और अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है जी, आईलाइनर तो हमने कर लिया था अप्लाई, लेकिन इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से नहीं छोड़ना, ग्रीन आई शेडो अप्लाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक जो भी आपको शेड चाहिए हो, इस तरह से आईलाइनर के ऊपर अप्लाई करें, बहुत ही प्रीटी लुक आता है। तो ये हो गया जी हमारा फाइनल लुक। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। और जी, जो चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, न्यू एंड ट्रेंडी लुक्स के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए। इसके साथ साथ जी, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।